शिक्षा के क्षेत्र में बिहार सरकार के द्वारा लगातार मुंगेर में नए अध्याय जोड़े जा रहे हैं। मुंगेर में अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जिले के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि 85 करोड़ की लागत से 10 एकड़ में मुंगेर इंजीनियरिंग कॉलेज यहां बनकर तैयार हो गया है। बस इंतजार है तो सरकार के द्वारा उद्घाटन का, जिसके बाद यहां पढ़ाई शुरू की जाएगी। इस कॉलेज को बनने में 2 साल का वक्त लगा, जिसमें इंजीनियरिंग पढ़ने वाले छात्रों के लिए लैब से लेकर हॉस्टल और भी कई सुविधाएं मौजूद हैं। कॉलेज के निरीक्षण करने पहुंचे मुंगेर विधायक प्रणव कुमार ने बताया कि कॉलेज के खुलने से कई छोटे रोजगारों की स्थापना भी होगी। नए साल में इस कॉलेज को जनता को समर्पित कर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया जाएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं उसको एक नया अवसर मुंगेर में पढ़ने के लिए प्रदान किया जाएगा, साथ साथ यहाँ के क्षेत्र के लोगों को भी इससे रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कई छोटे रोजगार इनके द्वारा बढ़ेगा, साथ साथ इंजीनियरिंग की पढ़ाई में मुंगेर एक नया अध्याय के रूप में जुड़ेगा, यही विशेष है। कब तक शुरू हो जाने की बात है इसको, क्या क्या बन चुका है, कंप्लीट क्या चीज़? अभी तो आपने देखा, अभी घूम के अभी देखे हैं, प्रशासनिक बिल्डिंग देख क्या है, प्लस हॉस्टल वगैरह है, ये सब अभी निर्माण के अंतिम चरण पे है। क्या लगता है कि मानक जो है बनने का, मानक के अनुरूप ये बिल्डिंग बना है? कुछ ईंट में तो त्रुटि देखने से नज़र आया है, और देखते हैं दरवाजे वगैरह जो होना चाहिए वो मानक के अनुसार हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, अभी देखें फ्लश डोर है लेकिन देख पेंट किया हुआ है, नया पेंट है लेकिन देखने के बाद से पता चलता है। वो देखेंगे, इसकी जांच करवाएंगे, माननीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री से भी बात हुई है, इसको जो गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अगर गुणवत्ता में समझौता हुआ होगा तो उस पर जो टेक्निकली रूप से उसको जांच कर कार्रवाई करेंगे। वहीं मुंगेर वासियों ने और छात्रों ने बिहार सरकार और मुख्यमंत्री को शुक्रिया देते हुए जल्द से जल्द इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन कर इसे शुरू करने की मांग की है। फिलहाल तो छात्रों के लिए तो एक अच्छी चीज़ है, जो छात्र यहाँ से बाहर जा करके पढ़ाई करते हैं उनको कम सुविधा और कम पैसे में यहाँ ज़्यादा सुविधा मिलेगा, तो ये राज्य सरकार की एक अच्छी पहल है। इसके लिए सरकार को भी धन्यवाद देना चाहिए और स्टूडेंट के हित में गार्जियन के लिए भी अच्छी बात हो सकती है। इंजीनियरिंग कॉलेज बनके तैयार भी है और अगर जल्द से जल्द चालू हो जाए इसका उद्घाटन में जाए तो छात्र लोग यही एडमिशन ले लेंगे, जिससे उनका सेशन भी चालू हो सकेगा और पढ़ाई भी निरंतर चालू रहेगी। क्या नाम हुआ? मोहम्मद वसीम। मुंगेर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनके तैयार है, इसका विधिवत उद्घाटन जो है हो जाना चाहिए था, जिससे कि बच्चों की शिक्षा जो है प्राप्त कर सके वो नियमित रूप से, चूँकि जो मुंगेर जो एक हब है शिक्षा का वो फिर से जो है वो तैयार हो जाए और बच्चों के हित में होना चाहिए। इस बात के लिए राज्य सरकार को भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि अविलंब इसकी जो है उद्घाटन करके लोगों को समर्पित करें। वर्तमान में जो बिहार सरकार की जो शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था बेहद मतलब के अच्छा है, ऐसी परिस्थिति पूर्व में कभी नहीं रही थी, लेकिन आज जो राज्य सरकार ने इस शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया है इसके लिए काबिले मुबारकबाद है। हम मुंगेर वासी खासतौर से जो है बिहार सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे कि शिक्षा को सुदृढ़ किया है, बच्चे लोग स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं, बच्चियां भी स्कूल जाना शुरू कर दी हैं, जो साइकिल योजना थी वो भी बेहतरीन से चल रही है, सारे चीज़ विधिवत चल रहे हैं, सरकार बधाई के पात्र है। सिर्फ इंजीनियरिंग कॉलेज जो अभी तोहफा के तौर पे इस मुंगेर की सरजमी को मिलने वाली है वो भी एक नायाब चीज़ मिलेगी और इस मुंगेर का कायाकल्प होगा निश्चित तौर पर। इस हुकूमत में इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? जफर अहमद, अध्यक्ष राजाकरण मीर कासिम समिति मुंगेर। बता दें कि पहले जो छात्र उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जाते थे उन्हें अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, कम खर्च में अब यहाँ के कॉलेज में छात्र पढ़ाई कर सकते हैं। नीतीश सरकार के शिक्षा के प्रति दूरदर्शिता का ही फल है कि नए साल पर यहाँ के लोगों को एक इंजीनियरिंग कॉलेज मिलेगा। मुंगेर से इम्तियाज अली की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।